हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। गैलेक्सी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं विद्यालय प्रबंधन को, जिन्होंने ये सराहनीय कदम उठाया है और विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये क्लासेज बहुत ही अच्छे तरीके से प्रारंभ की जा रही हैं या जारी हैं। पिछले लगभग 50 दिन से ये क्लासेज चल रही हैं। विद्यार्थी इस विद्यालय के अन्य सभी विद्यालयों के दूर दूर से इन क्लासेज का लाभ ले रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, क्लास ट्वेल्थ का सेकंड पार्ट यहाँ प्रारंभ किया जा रहा है। सेकंड पार्ट में भी आपको आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बताया जाएगा। आपके दो आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, दो आज यहाँ कंप्लीट इस पार्ट में करा देता हूँ। तर्क वितर्क में आपको डाउरी सिस्टम और को एजुकेशन ये कंप्लीट हो चुके हैं। आज फिर से यहाँ एक नए टॉपिक के साथ, और नया टॉपिक है आपका डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी कह सकते हो, बट इन रियलिटी द वर्ड इज प्रोनाउंस्ड एज डेमोक्रेसी। वास्तविकता में इस शब्द को हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वो क्या करते हैं, डेमोक्रेसी करते हैं। ध्यान रखना, इंग्लिश में IPA के द्वारा ये बताया जाता है कि हम अंग्रेजी के शब्दों को किस प्रकार से प्रनंस करें, किस प्रकार से उनका उच्चारण करें। ये बाद की बात है, बाद की क्लासेज में अन्य जो क्लासेज या वीडियो यहाँ आपको प्रोवाइड की जाएंगी उनमें आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल क्लास ट्वेल्थ कंपलसरी इंग्लिश और टॉपिक आपका चल रहा है आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स टॉपिक में यहाँ एक नया थीम है, नया शब्द है, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। यू नो वेरी वेल, डेमोक्रेसी मीन्स द लव ऑफ पीपल टू द पीपल बाय द पीपल। जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन होता है, वो क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है, जनतंत्र कहलाता है। प्रिय विद्यार्थियों, लोकतंत्र सही है, और आज संसार के लगभग सभी देशों में, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अपवाद सभी जगह होते हैं, लेकिन आज संसार के सभी देशों में लोकतंत्र कायम हो चुका है लगभग। और जिन देशों में लोकतंत्र कायम नहीं है, उन देशों में जनता लोकतंत्र कायम करने के लिए आवाज उठा रही है, आंदोलन भी कर रही है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, पिछले पार्ट में, कोई भी थीम, कोई भी शीर्षक जिसके बराबर का समान गुण और दोष हो सकते हैं, लेकिन कोई थीम ऐसा हो सकता है जिसके गुण ज्यादा हो सकते हैं, दोष उसके कम हो सकते हैं। उसी प्रकार से ध्यान रखना है, मान के चलिए मैंने डाउरी सिस्टम बताया था, उसके दोष ज़्यादा हैं और गुण कम हैं। उसी प्रकार से को एजुकेशन में गुण ज़्यादा हैं, दोष कम हैं। लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र में गुण ज़्यादा हैं, पक्ष की बातें ज़्यादा हैं, लाभ अधिक हैं और हानियाँ बहुत ही कम हैं। मैं कह सकता हूँ देयर आर सम ड्रॉबैक्स, कुछ कमियाँ होती हैं। ये पहले ही बता चुका हूँ, दो पार्ट, दो भाग होते हैं किसी कॉइन के, दो पहलू होते हैं। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी में गुण अधिक हैं, हानि यानी कमियाँ बहुत ही कम हैं। चलिए चलते हैं, लोकतंत्र
परिभाषा डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं। डेफिनेशन में लोकतंत्र का मतलब द लव पीपल टू द पीपल बाय द पीपल, इट इज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। बट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड वी हैव टू नो इन फेवर और फो ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के कौन कौन से पक्ष की बातें हैं ये हम यहाँ अध्ययन करेंगे। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक लोकतांत्रिक सरकार, ध्यान रखना डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र और डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक, गवर्नमेंट का मतलब सरकार। एक लोकतांत्रिक सरकार इज ए बेटर गवर्नमेंट, एक अधिक अच्छी सरकार होती है बिकॉज, क्योंकि इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म, क्योंकि इट इज यह होती है मो माने अधिक, अकाउंटेबल माने उत्तरदायी, फॉर्म माने रूप, क्योंकि सरकार का ये एक उत्तरदायी रूप होता है, जवाब देने वाला रूप होता है। लोकतांत्रिक सरकार में आप जवाब तलब कर सकते हो सरकार से। उत्तरदायी सरकार होती है जो जनता के लिए, जनता के प्रति जवाबदेह होती है, उसको जवाब देना ही होता है, इसीलिए अच्छा रूप माना जाता है। अकाउंटेबल फॉर्म माने एक उत्तरदायी रूप होता है ऑफ गवर्नमेंट। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते डोंट वरी माय डियर्स, इसी से गवर्नमेंट से पता चल जाएगा। चलते हैं आगे। डेमोक्रेसी लोकतंत्र इम्प्रूव्स, सुधारता है द क्वालिटी ऑफ डिसीजन। द क्वालिटी माने गुणवत्ता, ऑफ डिसीजन माने किसकी, निर्णय लेने की निर्णय क्षमता को, निर्णय लेने की जो गुणवत्ता है उसको सुधारता है। इट प्रोवाइड्स, यह है क्या लोकतंत्र या जनतंत्र या लोकतांत्रिक सरकार प्रोवाइड्स प्रदान करती है ए मेथड, एक तरीका टू डील माने सुलझाने का, पार पाने का, समाधान करने का, विद डिफरेंसेज माने भिन्नताओं के साथ, एंड कॉन्फ्लिक्ट्स और संघर्ष के साथ, द्वंद के साथ। स्ट्रगल माने संघर्ष होता है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है द्वंद, द्वंद का मतलब द सिचुएशन ऑफ व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या करें और क्या न करें कि स्थिति क्या कहलाती है, द्वंद कहलाती है, कॉन्फ्लिक्ट कहलाती है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब एक दूसरे में उलझ जाना। तो ये जो सरकार होती है ये ऐसा तरीका होती है जो भिन्नता और द्वंद से क्या करती है, पार पाती है, भिन्नता और द्वंद का समाधान करती है। इट अलाउज, ये सरकार अनुमति देती है पीपल, लोगों को, टू करेक्ट माने सही करने के लिए, देयर ओन मिस्टेक्स, अपनी स्वयं की गलतियों को। ये इसी में है। लोकतांत्रिक सरकार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही ये है कि लोग स्वयं अपनी गलती को सुधार सकें। मान लीजिए हमने एक ऐसी सरकार को चुना है जो सरकार जनता के हितों की ओर ध्यान नहीं देती है, तो हम यहाँ अपनी गलती को सुधार सकते हैं। यानी आने वाले वर्षों में हम उस सरकार को नहीं चुनेंगे यदि हमको ऐसा लगता है तो। यदि हमको लगता है कि हमने कोई सरकार चुनी है और हमने उसको चुनकर के कोई गलती नहीं की है, जनता के प्रति सरकार जवाबदेह है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, देश को, राष्ट्र को ऊंचाइयों की ओर सरकार ले जा रही है, हमने ऐसी सरकार को चुनकर के कोई गलती नहीं की है, तो निश्चित रूप से नेक्स्ट अगले 5 वर्षों में फिर हम उसी सरकार को चुनेंगे। लेकिन यदि हमको लगता है कि हमने कोई नकारा सरकार को चुना है, हमने चुनकर के गलती की है, तो हम उस गलती को स्वयं समाधान कर सकते हैं, स्वयं सुधार सकते हैं। ये किसमें है, केवल लोकतांत्रिक सरकार में।
लेकिन जहां लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, केवल एक तंत्र है, ऑटोक्रेसी है, मिलिट्रिज्म है, वहां आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आगे चलते हैं। ये तो इसके पक्ष की बातें हैं कि लोकतांत्रिक सरकार में इंसान अपनी गलतियों को स्वयं ठीक कर सकता है, डिसीजन की क्वालिटी है ये इसमें बढ़ जाती है लोकतांत्रिक सरकार में, और अपनी स्वयं की गलतियों को इंसान ठीक कर लेता है, लोकतंत्र गुणवत्ता को सुधारती है, निर्णय गुणवत्ता को। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये एक जिम्मेदार सरकार होती है, एक उत्तरदायी सरकार होती है। नाउ प्लीज कम टू द पॉइंट, वी विल डिस्कस अगेंस्ट डेमोक्रेसी। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की कौन कौन सी कमियां हैं, यह हम उनका अध्ययन करेंगे। लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी। सबसे बड़ी बात क्या होती है, लीडर्स माने नेता, या कह सकते हो पॉलिटिकल लीडर्स, लीडर्स माने नेता कह सकते हो, नेतृत्वकर्ता कह सकते हो, नेतृत्वकर्ता या कह सकते हो लीडर्स नेता, कीप चेंजिंग माने बदलते रहते हैं इन ए डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र में, विच लीड्स, जो ले जाता है टू इन स्टेबिलिटी माने अस्थिरता की ओर। स्टेबल सरकार नहीं होती है, स्थिर सरकार नहीं होती है, क्योंकि नेता बदलते ही रहते हैं। मान के चलिए अगले 5 वर्षों में फिर जनता का रुख है, पता नहीं क्या हो, चेंज हो जाता है। दूसरी बात, मान के चलिए बीच वर्षों में भी, बीच सेशन में भी सरकार को किसी न किसी कारण से गिरा दिया जाता है, व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखते हुए पावर, सत्ता प्राप्त करने के लिए ऐसा यदि कर दिया जाए तो वो फिर गलत है, क्योंकि लोकतंत्र में ही ऐसा होता है। मिलिट्रिज्म, सैन्यवाद में ऐसा नहीं होता है, ऑटोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है, जहां कोई नेता है, नेतृत्व करता है, लीडर है, राष्ट्र को चलाने वाला है, वो स्थिर होता है, उसकी सरकार गिरती नहीं है। दूसरी बात, लोकतंत्र में क्या होता है, लीडर्स चेंज होते रहते हैं, लीडर्स चेंज होने से अस्थिरता बनती है सरकार में, इनस्टेबल सरकार बनती है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र इज ऑल अबाउट, सब कुछ होता है पॉलिटिकल कंपटीशन माने राजनीतिक प्रतियोगिता। लोकतंत्र में और कुछ नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक, राजनेताओं के बीच में प्रतियोगिता होती है, और प्रतियोगिता में क्या होता है, किसी भी कारण से हमें सत्ता, सरकार बनानी होती है, चाहे वो जनता के हितों में हो या जनता के हितों में ना हो, ये कारण होता है। इसलिए राजनेताओं में कंपटीशन होता है, और ये सब कुछ राजनीतिक प्रतियोगिता, राजनीतिक जो कंपटीशन है, और पावर प्ले माने सत्ता का खेल है, सत्ता का नाटक है, ये केवल और केवल किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए, ये इस लोकतंत्र में होता है। लेकिन ये कुछ ही ड्रॉबैक्स हैं, ये कुछ ही कमियां हैं, बाकी इसके गुण बहुत हैं। देयर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी, और इस लोकतांत्रिक सरकार में नैतिकता का कोई स्थान नहीं होता है, नैतिकता का कोई क्षेत्र नहीं होता है, नैतिकता बिल्कुल दूर रहती है इससे, किससे, लोकतांत्रिक सरकार में। स्कोप फॉर मॉरलिटी, नैतिकता के लिए कोई स्थान नहीं होता है, कोई जगह नहीं होती है। डिलेज आर ऑफन मेड, डिलेज माने देरियां, देरी हमेशा की जाती है, चाहे वो सरकारी कामों में हो, चाहे वो न्याय व्यवस्था में हो, किसी भी चीज में देरी होती है, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था में देरी हो, प्रशासन में देरी हो, शासन में देरी हो, करप्शन के कारण फाइलों का सही तरीके से इशू होकर के नहीं आना,
निर्णय सही तरीके से नहीं होना, होना तो बहुत देर में होना, न्याय सही तरीके से नहीं होना, ये सारी चीज़ें लोकतांत्रिक सरकार में होती रहती हैं। यही कारण है कि इसमें ये कुछ कमियां हैं। इट लीड्स, लोकतांत्रिक सरकार ले जाती है टू करप्शन, किसकी ओर? भ्रष्टाचार की ओर ले जाती है। क्योंकि क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रल कंपटीशन, क्योंकि ये चुनाव प्रतियोगिता पर आधारित होती हैं। इस कारण से लोकतांत्रिक सरकार में कुछ कमियां हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहां मैंने आपको दोनों ही चीजें थोड़ी थोड़ी बता दी हैं। नाउ प्लीज कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं साइंस के बारे में। ये मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में साइंस विज्ञान के बारे में आपको लिखना है, और थोड़ा सा मैंने विज्ञान के बारे में बताया भी था। प्रिय विद्यार्थियों, साइंस क्या है, कौन कौन से इसके गुण हैं, कौन कौन से दोष हैं, ये आपको इसमें लिखना है। चलिए फोर से हम यहां प्रारंभ करते हैं। फोर मान क्या होता है? पक्ष। फोर मीन्स क्या होता है? पक्ष। विज्ञान के पक्ष में कौन कौन से तर्क हैं, ये विज्ञान का युग है। साइंस हैज गिवन ए ग्रेट पावर इन मैन साइंस। इट हैज मेड ह्यूमन लाइफ कंफर्टेबल। इसने मानव जीवन को सुगम बनाया है। संसार में दूरियां कम की हैं विज्ञान ने। विज्ञान ने मेडिकल सुविधाएं प्रदान की हैं। विज्ञान ने बीमारियों को दूर किया है। तो यहां लिखना है Science is a boon। विज्ञान एक वरदान है। It has given a great power इन मैंस हैंड। विज्ञान ने मानव के हाथ में बहुत बड़ी ताकत दी है। साइंस, विज्ञान इज ए बून, एक वरदान है। इट हैज गिवन, इसने दिया है ए ग्रेट पावर, एक बहुत बड़ी ताकत इन मैंस हैंड, इंसान के हाथ में। इट हैज मेड ह्यूमन लाइफ कंफर्टेबल। इट हैज अबोलिश्ड सुपरस्टिशंस From our society, ये विज्ञान ने हमें कुछ चीजें प्रदान की हैं।
by inventing medicines telecommunication tele-education it has proved itself a blessing for humanity. प्रिय विद्यार्थियों, ये विज्ञान के पक्ष में कुछ बातें हैं। कौन कौन सी बातें हैं देखते हैं। विज्ञान एक वरदान है। इट हैज गिवन ए ग्रेट पावर इन मैंस हैंड। विज्ञान ने हैज गिवन दिया है ए ग्रेट पावर, एक बहुत बड़ी ताकत इन मैंस हैंड, इंसान के हाथ में। इट हैज मेड ह्यूमन लाइफ, इसने बना दिया है ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन को कंफर्टेबल माने आरामदायक। इट हैज एबोलिश्ड, इसने उन्मूलन किया है सुपरस्टिशंस माने अंधविश्वासों का, फ्रॉम आवर सोसाइटी, हमारे समाज से। सबसे बड़ी बात तो यह है कि समाज में जो सुपरस्टिशंस फैला हुआ था, उस अंधविश्वास को हटाने में, उस अंधविश्वास को मिटाने में विज्ञान ने बहुत बड़ा योगदान प्ले किया है, बहुत बड़ा योगदान अदा किया है। By inventing medicines, दवाइयों का आविष्कार करते हुए, telecommunication, दूरस्थ संप्रेषण का मतलब दूर बैठ करके बातों को बोलना, आदान प्रदान करना संदेशों का, क्या कहलाता है telecommunication। ये सब information technology, IT के माध्यम से हुआ है। Information technology का मतलब होता है सूचना प्रौद्योगिकी, इसी के कारण ऐसा संभव हुआ है। टेली कम्युनिकेशन यानी कि दूरस्थ संप्रेषण, दूर बैठ करके बात करना, संदेशों का आदान प्रदान करना। टेली एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा, हम जो यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, आपको अध्ययन करा रहे हैं, आप घर पर बैठ करके पढ़ रहे हैं, ये सब विज्ञान का ही चमत्कार है, ये सब विज्ञान का ही कार्य है। विज्ञान के पक्ष की बातें हैं जो टेली एजुकेशन के माध्यम से, यू आर सिटिंग एट यूर होम एंड टेकिंग द बेनिफिट्स बाई वॉचिंग दीज क्लासेज, इन कक्षाओं को आप पढ़ रहे हो घर बैठ करके, ये सब क्या है, विज्ञान का ही चमत्कार है। इट हैज प्रूव्ड यानी कि इनका आविष्कार करते हुए विज्ञान ने अपने आप को सिद्ध कर दिया है ए ब्लेसिंग माने एक आशीर्वाद, एक वरदान फॉर ह्यूमैनिटी माने मानवता के लिए। यहाँ चलते हैं इसके अगेंस्ट, विपरीत चलते हैं। कुछ कमी जरूर हैं लेकिन इतनी कमियाँ नहीं हैं, हालांकि कमियाँ तो हैं लेकिन मानव जीवन को सुगम बनाया है, मानव जीवन को अच्छा बनाया है। अगेंस्ट, विरुद्ध, साइंस हैज शेकन मैंस फेथ इन गॉड। सबसे बड़ी बात तो यह है कि विज्ञान ने भगवान में मानव के विश्वास को कम किया है। विज्ञान ने भगवान में मानव के विश्वास को क्या किया है, हिला दिया है, डिगा दिया है। प्रिय विद्यार्थियों, SHAK, सेक माने डिगाना, हिलाना।
आप हाथ मिलाते हो, शेक हैंड। एक बात और ध्यान रखना है, यदि आप किसी को मना करते हो, बिना बोले ही गर्दन हिला करके आप मना करते हो, तो वह शेक का प्रयोग करेंगे, और गर्दन हिला करके यदि किसी को आप हाँ करते हो तो वहां आप नॉड का प्रयोग करोगे, NOD, नॉड। ओके डियर्स, साइंस हैज शेकन मैन्स फेथ इन गॉड, विज्ञान ने डिगा दिया है, हिला दिया या कम कर दिया है मैन्स फेथ, भगवान इंसान का विश्वास इन गॉड, किस में? भगवान में। टुडे मैनी मॉर्टल वेपन्स हैव बीन डिस्कवर्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर किल्ड बाय दीज वेपन्स एवरी ईयर। आज मैनी मॉर्टल वेपन्स, बहुत से घातक हथियार हैव बीन डिस्कवर्ड, खोजे जा चुके हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोग आर किल्ड, मारे जाते हैं बाय दीज वेपन्स, इन हथियारों से, एवरी ईयर, प्रति वर्ष। मैन हैज डोमिनेटेड Our nature due to science। सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान ने has dominated माने प्रभुत्व जमाया है, प्रभुत्व कायम किया है over nature माने प्रकृति के ऊपर, due to science, विज्ञान के कारण। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे धर्म ग्रंथों में, प्राचीन संस्कृति में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हमें प्रकृति से केवल और केवल उतना ही लेना चाहिए जितनी हमें आवश्यकता है। संग्रह करते हुए हमें प्रकृति को या प्रकृति के बैलेंस को बिगाड़ना नहीं चाहिए। अकारण ही क्यों संघर्ष कर रहे हैं? ये डेवलपमेंट नहीं है, विकास के नाम पर हम संघर्ष करते ही जा रहे हैं, संग्रह करते ही जा रहे हैं, इकट्ठा करते जा रहे हैं चीजों को। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, यह मैं बात कर रहा हूं कि किस प्रकार से इंसान ने प्रकृति के ऊपर डोमिनेट किया है, किस प्रकार से यहां प्रकृति को अपना गुलाम बनाया है, विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, मैं फिर से वही कहता हूं कि भविष्य की पीढ़ी के संसाधनों को वर्तमान में दाव पर लगा करके किया गया विकास, विकास की परिभाषा नहीं है। दिस इज नॉट द ट्रू डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। प्रकृति पर डोमिनेट किया है विज्ञान के कारण। चलते हैं आगे। लेकिन प्रकृति ने अपने आप को प्योरीफाई कर लिया है COVID-19 के दौरान। ये एक बहुत ही एपिडेमिक जो महामारी फैली हुई है, इसका डार्क साइड बहुत ज्यादा है। पूरे संसार की अर्थव्यवस्था जैम हो गई है। लेकिन यह बात फिर से की जा रही है कि इसका एक उजाला पक्ष भी है, वो ये है कि प्रकृति ने अपने आप को प्योरीफाई किया है। नाउ प्लीज कम टू द पॉइंट, आवर नेचर, इन शॉर्ट, साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर।
मैन हैज डोमिनेटेड, इंसान ने डोमिनेट किया है, प्रभुत्व कायम किया है ओवर नेचर, प्रकृति के ऊपर, ड्यू टू साइंस, विज्ञान के कारण। इन शॉर्ट, संक्षिप्त में, साइंस, विज्ञान इज ए गुड सर्वेंट, एक अच्छा सेवक है, बट बैड मास्टर, लेकिन बुरा मालिक। प्रिय विद्यार्थियों, मैं थोड़ा साइड में हटता हूँ, आप इसको कॉपी कीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को पॉज कीजिए, और वीडियो को पॉज करते हुए भी आप इसको आसानी से उतार सकते हो, कॉपी कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ ये आपके कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, कुछ तर्क हैं, विज्ञान क्या है, लोकतंत्र क्या है, आपका जो लिखा है था को एजुकेशन वो क्या है, कौन कौन से, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके पक्ष और विपक्ष में आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये आपने कॉपी कर लिया होगा, आप बहुत अच्छे तरीके से अपने अध्ययन को कर रहे हैं घर पर बैठ करके। इसी के साथ मैं आज की क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।